बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपना 41वां बर्थडे मना रही है। 18 जुलाई 1982 के दिन इस दुनिया में कदम रखने वाली प्रियंका चोपड़ा का जन्म वैसे तो झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था, लेकिन उनका बचपन उत्तर प्रदेश के बरेली में बीता। प्रियंका के पेरेंट्स अशोक चोपड़ा और मधु चोपड़ा इंडियन आर्मी में फिजिशियन थे, जिसके चलते उनका तबादला अलग अलग शहरों में होता रहता था। यही वजह रही कि प्रियंका का बचपन अलग अलग शहरों में बीता। पहले उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट अपने नाम किए, उसके बाद सिनेमा की दुनिया में भी कदम रखा। प्रियंका का नाम असीम मर्चेंट, हरमन, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, हॉलीवुड स्टार टॉप हिडलस्टन के साथ भी जुड़ा, लेकिन साल 2018 के दौरान प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के अफेयर की खबरें भी सामने आई। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया और 1 दिसंबर 2018 के दिन एक दूसरे से शादी भी कर ली। प्रियंका चोपड़ा की कमाई की बात करें तो उनकी कमाई का मुख्य जरिया उनकी फिल्में, विज्ञापन, स्टेज शो और बिजनेस है, जो एक स्टेज शो के लिए 4 से 5 करोड़ रुपये लेती है। वहीं एक्ट्रेस बॉलीवुड फिल्मों के लिए 6 से 10 करोड़ रुपये फीस लेती है। इसके अलावा फैशन ब्रांड, हेयर प्रोडक्ट्स ब्रांड और रेस्टोरेंट बिजनेस से भी मोटी कमाई करती है। साथ ही वह एक इंस्टाग्राम पोस्ट का लगभग 3 करोड़ रुपये चार्ज करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ करीब 620 करोड़ रुपये बताई जाती है। प्रियंका के पास मुंबई में 2 आलीशान घर हैं जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये है, और लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक और घर है जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपये है। इसके अलावा अमेरिका के लॉस एंजलिस में 238 करोड़ रुपये का घर भी है। एक्ट्रेस प्रेजेंट में अपने पति निक जोनस, उनकी बेटी, उनके कुत्तों और उनके परिवार के साथ एनसिनो कैलिफोर्निया में एक आलीशान घर में रहती है। इस प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत लगभग 144 करोड़ रुपये है। उनके पास गोवा में एक बाग बगीचा भी है जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये बताई जाती है।